नमस्कार, स्वागत है आपका व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी के चरण पर। मैं संतोष शर्मा, आज हम बात करने वाले हैं सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में। सात मुखी रुद्राक्ष ऑल अबाउट रोमांस एंड लाइफ, लव एंड रोमांस। यदि आप रोमांटिक नहीं हैं, बहुत ड्राई हैं जिंदगी में, ड्राइनेस है, और आप प्यार करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, मोहब्बत में होना चाहते हैं, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, यदि मन में उदासी है, अवसाद है, डिप्रेशन है, किस कारण? क्योंकि आपके मन में उमंग नहीं है। आप अपने आप को ना तो प्रेम के काबिल समझते हैं, ना आप प्रेम पा सकते हैं, ना प्रेम दे सकते हैं। यदि आपकी मनस्थिति ऐसी है, वो लगता है कि जीवन में केवल ड्राइनेस है, ऑल अराउंड डेजर्ट है जिंदगी आपका, और आपको जिंदगी में चाहिए कि खुशहाली हो, प्रेम हो, उमंग हो, स्नेह हो, लगाव हो, आकर्षण हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अट्रैक्शन, I am talking about the desire to enjoy life in totality, party karna, physically and emotionally enjoy karna चीजों को। यदि इन चीजों का अभाव है तो आप समझिए कि आपके चार्ट में शुक्र ग्रह वीनस का कुछ इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि शुक्र आपका वक्री हो सकता है कि शुक्र आपके लिए अच्छा ना हो सकता है कि शुक्र आपका डेबिलिटेशन में हो। डेबिलिटेशन में होने से क्या होगा कि आपको कुछ इच्छा होगी ही नहीं, एंजॉय करने के लिए इच्छा मन में जगेगी ही नहीं। और यदि आपका शुक्र वक्री है तो इच्छा तो होगी लेकिन कमी होगी उसमें, और शुक्र तो अच्छा ना हो तो होता क्या है कि जब आप प्रेम संबंध में पढ़ते हैं, लव अफेयर्स में अपने आप को पाते हैं, यू डोंट गेट गुड रिजल्ट्स, धोखा हो जाता है आपको, मतलब उसमें कुछ आपको आनंद की अनुभूति नहीं होती है, लगता है कि आप फंस गए। तो प्रेम भी एक दुख का कारण जब बन जाता है तो समझ लीजिए कि शुक्र का कोई चक्कर है। यदि आप क्रिएटिव क्षेत्र में हैं, मसलन आप एक्टिंग के फील्ड में हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप फिल्म कंपोज, म्यूजिक कंपोज करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र अगर ठीक नहीं होगा तो सफल नहीं होंगे आप। तो आप सात मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। सात मुखी रुद्राक्ष पहनने से मन में उमंग पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा, फिजिकल अट्रैक्शन पैदा होगा फॉर द अपोजिट सेक्स, मतलब यू कैन अट्रैक्ट अदर पीपल टू योर लाइफ। सफलता मिलेगी आपको मोहब्बत में, प्रेम में, रोमांस में, लव अफेयर्स में। चारों तरफ खुशहाली नजर आएगी, मन में अवसाद है तो चला जाएगा, और आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेगा रंगीन दुनिया, द कलरफुल साइड ऑफ योर लाइफ। सात मुखी रुद्राक्ष मैजिक की तरह काम करता है, और आप इसको पहन के देखें तो सही, सात मुखी रुद्राक्ष इंडोनेशिया के भी आते हैं, नेपाल के आते हैं, दोनों बराबर काम करते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, यू कैन अफोर्ड नेपाल, गो फॉर नेपाल, अदरवाइज गो फॉर इंडोनेशियन वन। आप इसको पहनिए अपने छाती के ऊपर, पहन सकते हैं। यदि आप इसको हाथ में पहनना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ में पहने, बाएं हाथ में आप रिस्ट के पास पहन सकते हैं, एक पेंडेंट की तरह भी पहन सकते हैं, और इसको बाजू में भी पहन सकते हैं। तो सात मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद 21 दिन के बाद आप उसका असर देखेंगे। इट टेक्स अबाउट 21 डेज द बॉडी टू क्रिएट ए न्यूरोपाथ, नया न्यूरोपाथ बनने के लिए ब्रेन को लगता है 21 दिन, 30 दिन में तो पक्का बनता है। कुछ लोगों को 21 दिन बन जाता है, 30 दिन में पूरा बनता है, और 90 दिन में इसका पूरा फल देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है, आप महसूस कर सकते हैं। सात मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और सात मुखी पहनने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में अजस्र धन की वृद्धि होती है, पैसे आते हैं, वेल्थ का क्रिएशन होता है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भी आप सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर्स इसी वेबसाइट में दिए हुए हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं भी लिंक इस वेबसाइट में दिए हुए हैं, और रुद्राक्ष ओरिजिनल लैब सर्टिफाइड खरीदना चाहते हैं तो हमसे जुड़े, हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और ये रुद्राक्ष प्राप्त करें। अपने को दें, अपने जो पार्टनर हैं उनको दें। आप यदि प्यार करते हैं किसी को, उसको पहनाएं, दोनों पहने बुद्धि होगी प्यार में। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, साथ में रुद्राक्ष पहने प्रेम का उदय होगा। संबंध में कटुता आ गई है, निराशापन आ गया है, संबंध में लगता है कि प्रेम की अभाव है, जीवन में रसहीनता है, साथ में रुद्राक्ष पहने बहुत फायदा होगा। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।